हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसको देखकर आप आपके एमआई फ़ोन से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग चेंज कर सकते हो। क्योंकि एमआई रेडमी जो फ़ोन होते हैं इसमें दो अलग अलग ब्राउज़र्स आते हैं, एक एमआई का खुद का ब्राउज़र होता है, एक हम लोग का जो क्रोम होता है, गूगल क्रोम, वो भी होता है। तो नॉर्मली कैसा कोई कोई होता है जिसको क्रोम पसंद होता है, जिसमें यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको किस तरह से बंद करते हैं। सबसे पहले तो दिखाएंगे हम कि उसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कैसा होता है वो। सबसे हम ये एयरटेल ऐप में गए और यहाँ पर देखिए एक्सप्लोर नाउ करूँगा मैं। यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ किया है ना, नाउ किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है ये अभी फ़िलहाल ये एमआई का है। एमआई का होने की वजह से वो एमआई की ही ये मतलब एमआई का ब्राउज़र खुल गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। अब इसको किस तरह से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे एक ये है क्रोम, एमआई है। सेटिंग में जाएंगे हम लोग। सेटिंग में जाने के बाद हम लोग नीचे नीचे आ जाएंगे। ये देखिए ऐप दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर ये ऐप है, ऐप्स यहाँ पर गए, इसमें मैनेज ऐप्स में जाएंगे, सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना। ये जैसे खुलेगा तो राइट साइड में देखिए आपको ऊपर में तीन डॉट दिखाई देंगे, थ्री डॉट मेनू बोलते हैं इसको। ये खोले उसके देखिए सेकंड नंबर पे है डिफॉल्ट ऐप्स। अभी यहाँ पर देखिए ये इतने सारे लॉन्चर्स है, इसमें ये ब्राउज़र है चौथे नंबर पर। अभी इसमें देखिए ये मेरा एमआई का ब्राउज़र जो है ये सेट है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्रोम को सेट करना है, ठीक है ना। और ये हो गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर गए और उसके बाद में ये अपना बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र जो है ये तो सीधा सीधा है, और एम आई का निकल के ये देखिए यहाँ पर अभी हम लोग इसे एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये सीधा क्रोम पे चले जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गए क्रोम पे सीधा। तो कितना आसान तरीका है इसको यहाँ पर से ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट करने के। तो दोस्तों इस तरह से आप आपके एम आई फ़ोन का, रेडमी फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।